और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे, ले चलेंगे, दिखाएंगे कैसे दाना उना कबूतरों को खिलाएंगे और रास्ते में जो भी होगा एक्टिविटी करेंगे हम आपको दिखाएंगे, जितना हो सकेगा उतना आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप बने रहिए आगे वीडियो में। चलिए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी। दोस्तों दिल्ली में कैसा भी जगह है जहाँ पे कबूतरों का ढेर है, देख लीजिए कितने कबूतर यहाँ पे हैं, देख रहे हैं ना कितने कबूतर यहाँ दिख रहे हैं, और इतना ही कबूतर इस बगल यहाँ पे भी इतना ही कबूतर है। रोड अभी चालू हो गया, नहीं दिखा पाएंगे, इतना ही कबूतर यहाँ पर भी है। देखिए अभी लौटेगा, बहुत ढेरों सारा कबूतर है यहाँ पे, लोग इनको आते हैं दाना खिलाते हैं आराम से और चले जाते हैं। दोस्तों मैं भी दाना खरीद लिए और वहाँ पे जाके पैसा दिया और दाना खरीद लिया और फिर कबूतरों को खिलाने के लिए निकल गए। वहाँ पे हम वॉइस नहीं डाल पाए थे इसलिए हम वॉइस ओवर कर रहे हैं घर पे आके, क्योंकि वहाँ पे हम दाना खिला देंगे इतने दूर से मोबाइल में वॉइस थोड़ा भी कैच नहीं होता, इसलिए हम सोचे कि रहने दीजिए इसको, हम घर पे चल के वॉइस ओवर कर देंगे। देखिए हमने दाना ले लिया और कबूतरों के पास जैसे गए तब उड़ने लगे डर के मारे, लेकिन हम तो उनको दाना खिलाने गए थे। दाना खिला के कबूतरों को बहुत ही मज़ा आया जितना आना चाहिए, हमको बहुत खुशी मिली। इस तरह से सबको करना चाहिए, सभी लोगों को लगभग अगर यहाँ जहाँ भी कोई भी दिखे ऐसा उसको ज़रूर खिला उला देना चाहिए, इससे ये पुण्य का काम ही होता है। देखिए खिला भी रहे हैं, कितनी मज़े आ रही है, सारे कबूतर इधर उधर उड़ रहे हैं, कोई दिक्कत भी उन लोगों को नहीं हो रही है। इन लोगों को आदत पड़ गया लोगों के बीच में रहने का, देख रहे हैं चारों ओर सड़क है फिर भी ये लोग बीच में पड़े हुए हैं। इन लोगों को लोग ये लोग रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, इसी तरह से लोग आते हैं, ये इनका भी रोजी रोटी चलता रहता है और ये भी लोग खाए खाते पीते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए दोस्त अभी आप लोगों ने देखा हम और मामा अभी मुर्गियों को कबूतरों को दाना खिला के फिर हम लोग जा रहे हैं रूम। ये रहा पीछे का व्यू, आप देख रहे हैं हम लोग यहाँ दाना खिलाए हैं, अभी पीछे वहाँ दाना खिलाए हैं, दाना खिलाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं रूम पे अपने। लेकिन बहुत अच्छा अनुभव रहा है चिड़ियों को दाना खिला के, कबूतरों को दाना खिला के बहुत अच्छा लगा। अगर आप भी कहीं ऐसे आपको मौका मिले तो ज़रूर दाना ना कोई भी चीज़ खिलाना हो किसी अनजान जानवर को या कोई भी भूखा प्यासा आदमी हो उसे आप मदद करेंगे तो ऊपर वाला आपका भी सुनेगा, ज़रूर सुनेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी उससे खुशहाल रहेंगे। दूसरों की मदद करना बहुत ही ज़रूरी है इस मतलबी दुनिया में। दोस्तों हम वहाँ से दाना ना खिला के आराम से वहाँ से इजीली हम लोग चले आए हैं फिर रूम पे। वहाँ से बहुत दूर तक घूमने गए थे लेकिन पूरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की है इसलिए कि वहाँ बहुत क्राउड था, ज़्यादा भीड़ था और दिक्कत थी, इसलिए वीडियो को पूरा ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड किए हैं, उतना ही थोड़ा सा रिकॉर्ड कर पाए हैं, जितना रिकॉर्ड कर पाए आप लोग देख ही लिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है। आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रहिए, आपको मिलते हैं किसी इसी तरह की किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।